देख के बच्चे सीखते हैं देखो क्या? बात यह है कि बड़े मैं अगर हिंदू कोई बुजुर्ग है मेरा मेहमान हूँ, मैं उसका एहतराम करूँगी। कोई अगर फारसी बुजुर्ग है मैं उसका एहतराम करूँगी। अजमेर शरीफ सावन जी अभी अल्लाह के घर गया है, मेरे लिए वो भाई से कम नहीं है। हमारी जिससे दोस्ती रही है उससे दोस्ती रही है, हमने कभी नफरत का सोचा ना, नफरत की ना हमें परवाह है आप, तो लोग क्या कह रहे हैं। आपने गुजारिश करी कि बच्चे जो हैं वो बड़ों को देख के सीखते हाँ हैं, हाँ अब जहाँ बड़े नफरत करेंगे वहाँ बच्चे कैसे मोहब्बत करेंगे। तो बड़ों को क्या करना चाहिए? बड़ों को बुरा लफ्ज नहीं कहना चाहिए बच्चों के सामने। अगर हिंदुस्तान अलग बच्चों से हो छुप के गया कह है, देना चाहिए? अगर पाकिस्तान अलग बन गया है तो कोई नफरत की बात नहीं है। रहो, प्यार से रहो, चाहो ख्याल करो एक दूसरे का। ये मैं इंडिया वालों से भी कह रही हूँ, यहाँ वालों से भी कह रही हूँ। और ये जो अब हो रहा है ना, ये इंटरनेशनल फसाद की जड़ है। ये मुसलमानों को ये आसार क़यामत में लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दूसरी अकवाम जो है, दूसरे मजाहब वाले मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमान ममलकतों को ख़त्म करेंगे। तो उनकी ताकत को देखो ना, शाम पे हमला, इराक पे हमला, अल्जीरिया पे हमला, अब हर जगह हमला हो रहा है। अब आ जाएंगे सेंट्रल एशिया, यहाँ आएंगे मशरक जो दुबई उबई है यहाँ भी आ जाएंगे, पाकिस्तान में भी, क्योंकि उनको मुसलमानों को ख़त्म करना है। और मुसलमानों में अकल नहीं आ रही। अरे भाई अकल सीखो, बस छोड़ दो बुरा कहना एक दूसरे को, छोड़ दो लड़ाइयाँ नफरतें। अगर कोई शिया है बिस्मिल्लाह शिया रहे, आले रसूल का चाहने वाला है। हाँ अगर सहाबा के बाद की शान में गुस्ताखी करना है छोड़ दो, कर ले दो, वो भूखेगा। मगर उनकी उसकी गलती है ना, सहाबा के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम साहब जो हुजूर से बाप की जगह हैं उमर, हम उनको बुरा कह रहे हैं। अरे वाह, हमको हमको हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली शेख खुदा हमारी जान कुर्बान। हम शिया हैं, अगर अगर हम हैं, अगर मैं अली को चाहती हूँ और फातिमा को तो मैं शिया को कहलवाने पर तैयार। मेरा बात यह है कि हमको समझना है, नफरतों का वक्त गुजर गया, अब मुसलमानों को एक मुट्ठी में होना है, एक जगह होना है, एक कलमे के नीचे होना है, एक एक तरह से, वरना मुसलमान दुनिया से ख़त्म करने के लिए लोग खड़े हो गए। याद रखो ये मामूली बातें नहीं है जो मैं कह रही हूँ, कि इराक से शुरू हुआ है, अब मिस्र आ गया, अब शाम में जाए गया वहाँ पर, अभी और नीचे यहाँ भी आना है। यह मुसलमानों की दुश्मनी में हो रहा है और मुसलमानों को अकल नहीं आ रही। मुसलमान क्या करें? मुसलमानों को इनको मुट्ठी में होना चाहिए एक दूसरे को, हाथ पकड़े हुए हो, कंधे से कंधा मिला हुआ हो। तो हम तो सुबह से शाम तक एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ ये मार रहे, इनको मारने में खुशी, क्योंकि नादान बहुत है, बहुत नादान कौम है ये, इमोशनल। और पढ़ना लिखना गया इनका भाई, सूरह कलाम पाक हजरत याकूब के जिक्र से, हजरत मूसा के जिक्र से, हजरत ईसा के जिक्र से भरा हुआ है। हम कौन हैं ईसाइयों को यहूदियों को बुरा कहने वाले? हम गलत कर रहे हैं, हमें एहतराम करना है। और अगर यहूदी और ईसाई कर रहे हैं तो अल्लाह उनको समझ लेगा, हम समझ लेंगे। बशर्ते थे कि हमें मोहब्बत हो, यगानगत हो, इत्तेहाद हो, हमें है ही नहीं।